नमस्कार, मेरा नाम के पांडे है और आज मैं आपके सामने सरला महाभारत के एक एपिसोड को लेकर के आ रहा हूँ। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये चैनल जो है वो इंडियन मैथोलॉजी और इंडियन कल्चर के ऊपर डेडिकेटेड है। तो आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ महाभारत के अंतिम दिनों में, जहाँ पर तकरीबन जो युद्ध है वो समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है और जो पांडव हैं वो अपनी विजय को अपने सामने देख रहे हैं। और आमतौर पर ये होता है कि जब आप अपनी विजय को अपने सामने देखते हैं तो आप हिंसक होते हैं, आप चाहते हैं कि फटाफट जितनी जल्दी हो सके विजय हो जाए और हम आगे बढ़ जाएं। ये सोच के जो युद्ध के या जो वॉर के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जो डिफाइंड होते हैं, जिस तरीके से कि आप शाम को युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, आप बच्चों के ऊपर या औरतों के ऊपर प्रहार नहीं कर सकते हैं, और शाम के बाद का जो समय है वो सेवा शुश्रूषा का समय है, जिसमें कि जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो वैद्य हैं उस जमाने में, वो आते थे और उन सैनिकों की सेवा करते थे जो हताहत हुए हैं या जिनको चोट लगी है। आप अपने जो मृतक हैं उनको जलाया करते थे या आप अपने मृतकों को श्रद्धांजलि दिया करते थे। इसलिए जो शाम का समय था वो युद्ध में एक शांति का और एक थिंक बैक का समय हुआ करता था, जिसमें कि आप युद्ध के बारे में सोचते हैं, अपने अगले दिन को प्लान करते हैं। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है जब एक आदमी को लगने लगता है कि हाँ भाई, हम तो युद्ध विजय की तरफ अग्रसर हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा हिंसक होता है। अब होता यूँ है कि जो दुर्योधन है, जब उसको पता लग जाता है कि हाँ भाई, उसके बड़े सारे लोग मारे जा चुके हैं, वो अपने आप को एक मृतक हाथी के पीछे छुपा रखता है। एक हाथी है जो मरा है, उसके पीछे दुर्योधन जो है वो छुप जाता है और उसको पता है कि जब शाम हो जाएगी तो उसको यहाँ से निकलना है, और अगर वो नहीं निकलेंगे तो जो जीवन जो है वो एक उनका खुद का जो जीवन है वो खतरे में बैठेगा, और दूसरा अगर इस युद्ध को इनको परिणति की तरफ लेकर के जाना है, कंक्लूशन की तरफ लेकर के जाना है, तो इनके लिए आवश्यक हो जाता है कि ये अपने जो भी बची कुची सेना है उसको रीग्रुप करें, उसको एक साथ दोबारा अपने से जुड़वाएं और एक नई रणनीति तैयार करके युद्ध की तरफ जाएं। ये सोच करके वो शाम का इंतज़ार करते हैं, रात का इंतज़ार करते हैं। अब जब झुरमुटा होता है, रात होती है, और जब वो निकलने की कोशिश करते हैं तो अचानक पाते हैं कि इस कदर का विध्वंस हुआ है, इस कदर का युद्ध हुआ है कि लोगों के हताहत होने से जो खून बहा है उससे एक नदी बन गई। अब ये जो प्रकरण है, ये जो एपिसोड है, वो महाभारत में आप नहीं पाएंगे। ये सरला दास की महाभारत जो उड़िया में लिखी गई है, उसमें आपको ये प्रकरण मिलेगा। और वो नदी इतनी गहरी है कि आप उसमें हल करके पार नहीं हो सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं चल के पार कर दूंगा, तो आपको या तो कोई नौका चाहिए या तो आप किसी सहारे से उस पार जाएं। और दुर्योधन का उस पार जाना जो था वो अत्यंत आवश्यक था। अब दुर्योधन इस कोने में खड़े हैं और वो सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, कैसे मैं उस पार जाऊं। अब अचानक उनको सामने से एक शरीर आता नजर आता है, तो दुर्योधन सोचते हैं कि देखिए, जो शरीर है वो डूब नहीं रहा है, तो अगर मैं शरीर के ऊपर चढ़ जाता हूं, और उनके पास में दो गदा है, दोनों गदाओं को लेकर के अगर मैं शरीर के ऊपर चढ़ जाता हूं और जो शरीर है अगर वो नीचे की तरफ नहीं जाता है, तो मैं एक डंडा लेकर के, मैं खे करके उस पार चले जाऊंगा। ये उनका विचार है, जो बिल्कुल सही विचार है। लेकिन आप विषमता देखें तो यहां पे सरला दास ये भी बता रहे हैं कि देखिए, कितनी ज्यादा जो विध्वंस युद्ध करता है, वॉर करता है, वो किस हद तक आपको जानवर बना देता है कि आप नाव की जगह किसी मरे आदमी के शरीर के ऊपर पैर रख करके उस पार जाने की कोशिश करते हैं। ये युद्ध ही करवा सकता है, जहां पर इंसान अपनी बुद्धि को, अपने मस्तिष्क को संपूर्ण रूप से समाप्त कर देता है। अब जब वो शरीर सामने आता है तो उसका चेहरा जब वो देखते हैं, दुर्योधन फूट फूट के रोने लगते हैं, क्योंकि ये उनके भाई दुशासन का शरीर था। उनको याद आता है कि दुशासन ने किस तरीके से उनकी मदद करी, किस तरीके से वो खेले बड़े एक साथ। सारे के सारे प्रकरण उनके अपने जीवन के उनकी आंखों के सामने से निकल जाते हैं, और दुर्योधन जो है वो बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि देखिए, मेरा कैसा भाई है ये, कि इसने जीते जी तो मेरी मदद करी ही करी, आज जब मेरे को उस पार जाना है, आज भी यही आदमी है जो मेरी मदद के लिए आया है। ये सोच के दोनों गदाओं को लेकर के जैसे ही वो दुशासन के शरीर के ऊपर चढ़ते हैं, शरीर उनका नीचे की तरफ चला जाता है, उनका भार नहीं ले पाता है। दुर्योधन और दुखी हो जाते हैं। कुछ दूर और आगे निकलते हैं तो उनको एक और शरीर दिखाई पड़ता है जो कर्ण का है। दुर्योधन और दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बताइए, ये अंग देश के राजा, इनको मैंने बनाया अंग देश का राजा, मेरे मित्र, और इन्होंने अपने भाइयों का साथ नहीं दिया, पांडवों का साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा, क्योंकि आपने मेरे को रिकग्निशन, इज्जत, प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट दिया है। ये सोचते सोचते वो अपनी दोनों गदाओं को लेकर के जैसे ही कर्ण के शरीर के ऊपर चढ़ते हैं, कर्ण का शरीर भी नीचे की तरफ चला जाता है। ये वैसे ही दुखी थे और दुखी हो जाते हैं। ऐसे करते करते ये भुरीश्वा के शरीर पर चढ़ते हैं, शल्य के शरीर पर चढ़ते हैं, द्रोण के शरीर पर चढ़ते हैं।
लेकिन कोई भी शरीर इनका 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 बोझ नहीं उठा पाता है, वो नीचे की तरफ चला जाता है, समय गुजरता जाता है, रात और अंधेरी हो रही है और वो बहुत दुखी है। अब इनको सामने से एक और शरीर आता है बहता हुआ, लेकिन इस शरीर के अंदर दो चीजें हैं जो इनको बाकी शरीरों से अलग करती है, बाकी मृतक बॉडी से अलग करती है। पहली बात तो यह है कि जो इसका चेहरा है वो पलटा हुआ है, यानी पीठ जो है वो दिखाई पड़ रही है दुर्योधन को, और दूसरा यह है कि आभूषणों से लदा हुआ है। अब दुर्योधन ये सोचते हैं कि हाँ भाई देखिए, जितने भी महारथी थे, शल्य थे, भूरिश्रवा, दुशासन, कर्ण, द्रोण, इनके सामने जो स्वर्ग के देवी देवता हैं उनको भी भय होता है आने में और युद्ध करने में, क्योंकि इतने पराक्रमी योद्धा हैं, जब ये मेरे शरीर का भार नहीं ढो पाए तो ये शरीर क्या ढो पाएगा। लेकिन मरता क्या ना करता, उनको तो उस तरफ जाना था। उन्होंने कहा चलो भाई एक बार और कोशिश कर लें, और चमत्कारिक तरीके से जब वो शरीर के ऊपर चढ़ते हैं अपनी दोनों गदाओं को लेकर के, तो जो शरीर है वो नीचे की तरफ धंसता नहीं है, हलता नहीं है। अब किसी तरीके से जुगाड़ करके, कोई डंडा वंडा लेकर के उसको खेते हुए वो दूसरी तरफ चले जाते हैं जहाँ पर उनको जाना है, और वहां पे जाने के बाद ये सोचते हैं कि ये कौन सा शरीर है, कौन सा महायोद्धा, कौन सा साधु आदमी है ये, जिसने मेरे जैसे पराक्रमी शरीर को, और दुर्योधन अति पराक्रमी है, हजारों लाखों हाथियों का बल है उनके शरीर में, तो ये सोचते हैं कि ये कौन सा बंदा होगा जिसने मेरे शरीर के भार को ढोआ, मैं देखूं तो इसको और श्रद्धांजलि दूं अपनी। और ऐसा कह के वो जो शरीर को वो पकड़ते हैं, खींचते हैं, और जैसे ही इस तरफ लेकर के आते हैं तट पे, और जब उसको पलटते हैं तो दुख के मारे दुर्योधन पागल हो उठते हैं, पागल हो उठते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये जो शरीर है वो उनके लड़के लक्ष्मण का है। उनको एक दिन पहले की सारी घटना चक्र उनकी आंखों के सामने से घूम जाता है, जब वो अपने लड़के से कहते हैं कि तुम वापस जाओ हस्तिनापुर, भाग जाओ यहां से, और लड़का कहता है कि पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, भागना क्षत्रियों का काम नहीं है, मैं पीठ दिखा के नहीं भाग सकता, मैं तो इस युद्ध में आया था आपकी सहायता करने के लिए, मैं इस युद्ध में आया था आपको जिताने के लिए, अब आप मेरे से कह रहे हैं कि आप चले जाएं। तो दुर्योधन उनसे कहते हैं कि जाना आपका अति आवश्यक है, दो तीन कारणों से। पहला कारण तो ये है कि आप अंतिम हैं जो मेरे वंश को आगे बढ़ाएंगे, आपके बाद तो कोई है ही नहीं, सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो आपका जीवित रहना हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, और दूसरा आप मेरे इकलौते पुत्र हैं, बहुत लोगों को मैं खो चुका हूं, मैं आपको नहीं खोना चाहता, तो आपसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, विनती है कि आप चले जाएं। ऐसा दुर्योधन जो है अपने लड़के को कहते हैं, और लड़का मान जाता है, कितना अगर उसका पिता उसके साथ याचना कर रहा है तो कितना उसके लिए वो कितना मना कर सकता है। लेकिन होता क्या है कि अब चूंकि ये युद्ध है, ये अपनी पारंपरिक सीमाओं को तोड़ चुका है, ये शाम को भी हो रहा है, रात में भी हो रहा है, तो हमें नहीं पता होता है जब रात में युद्ध होता है कि कौन किसको मार रहा है। हो सकता है कौरव कौरव को मार रहा हो, पांडव पांडव को मार रहा हो सकता है कि पांडवों की सेना कौरवों की सेना को मार रही हो, या कुछ भी हो सकता है। अब ये कहा जाता है कि भीम ने जाने अनजाने में इनकी हत्या कर दी, या किसी अनजान सैनिक ने, या एक अननोन सोल्जर ने इनको मार दिया। जब दुर्योधन ये देखते हैं वो पागल होते हैं, वो अपने शरीर से कुछ कपड़े जो उन्होंने पहने हैं आधे कपड़े फाड़ते हैं और उसकी उसके शरीर को ढकते हैं और उसको वहां पे दफना देते हैं, क्योंकि और तो कोई तरीका है नहीं, लकड़ियां तो है नहीं जलाने के लिए। और अपने लड़के से कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, मैं चाहूंगा कि हर जन्म में मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र मिले, लेकिन अगर ईश्वर है, खुदा है अगर, तो मैं उससे बोलूंगा कि तुम्हें कभी भी मेरे जैसा पिता ना मिले, जिसके कारण आज मैं तो जीवित हूं लेकिन आप मृत हैं। विश्व साहित्य में आप कोई भी भाषा उठा लें, आप पुर्तगाली उठा लें, आप स्पेनिश उठा लें, आप चीनी उठा लें, आप जापानी उठा लें, आप अरबी उठा लें, इतना मार्मिक प्रसंग जो युद्ध की विवशता, युद्ध की बेबसी, जो युद्ध की यूजलेसनेस के बारे में बताता है, मैंने तो आज तक कभी नहीं पढ़ा। किस तरीके से तीन या चार पन्नों के अंदर सरला दास ने निचोड़ दिया है इस बात का कि जो युद्ध है वो कितना विध्वंसकारी है, ना ही केवल इस बात से कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इकोलॉजी हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, बल्कि ये भी कि जो इसके कॉस्ट हैं, जो
हम मूल्य चुकाते हैं मानसिक और शारीरिक इस युद्ध से, हम ना उसकी कल्पना कर सकते हैं ना तो हम कभी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो सरला महाभारत है उसके एक या दो ही पर्व हैं, मेरे ख्याल से आधी पर्व है जो हिंदी में उपलब्ध है, बल्कि सारी की सारी जो महाभारत है वो उड़िया में है। क्योंकि हुआ ये कि जब महाभारत निकली है उत्तर भारत से और दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत की तरफ गई है, तो उसको लोगों ने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया है, अपने कस्टम्स के हिसाब से, अपने ट्रेडिशंस के हिसाब से। तो हर महाभारत जो है वो अपने आप में निराली है, अपने आप में विरला है। तो ऐसी ही एक महाभारत का प्रसंग मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। मेरे को उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपने इतनी देर तक मेरे को सुना और इस प्रसंग के बारे में जाना, उसके लिए सहर्ष धन्यवाद, नमस्कार।